अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमारे पास 10% लॉन्ग डेट्स का अमाउंट भी गिवन है 2,00,000 रुपए। हमने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स कितना पे किया है 30,000। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर 100 पुट किया हुआ है। अब क्वेश्चन में आप याद ध्यान से देखिए, हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जबकि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया कौन सा हुआ है? हमें प्रॉफिट दिया हुआ है इंटरेस्ट और टैक्स के बाद वाला। तो मान लो हमको प्रॉफिट गिवन है ये वाला। क्वेश्चन में होता क्या है ध्यान से देखिए, आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। फर्म में होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट है, कौन से वाला प्रॉफिट है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट है। आपने उस प्रॉफिट में से क्या किया होगा? इंटरेस्ट सबसे पहले माइनस किया होगा। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपने उसमें से टैक्स भी माइनस किया होगा, तब हमारे पास प्रॉफिट आया होगा कौन सा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर इस प्रॉफिट के अंदर वापस मैं टैक्स और इंटरेस्ट को प्लस कर दूं तो मेरे पास कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखिए, हमारे पास टैक्स कितना पे किया हुआ है 30,000। तो यहां पर आपके पास 30,000 आपके पास गिवन है, 30,000 आपने टैक्स पे किया था, और 30,000 आपको पास वो प्रॉफिट भी गिवन है जो इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने के बाद है। तो वो मैंने लिख दिया, इसके अंदर मैं 30,000 को प्लस करने वाला हूं, प्लस इसके अंदर मुझे क्या वापस प्लस करना है? इंटरेस्ट प्लस करना है। अब इंटरेस्ट मैंने ड्यूरिंग देर कितना पे किया होगा? मैंने 2,00,000 रुपए का लोन लिया हुआ है, 2,00,000 के ऊपर मैंने 10% का इंटरेस्ट ड्यूरिंग देर पे किया होगा, कितना बन गया होगा? 20,000। तो 20,000 आपने इंटरेस्ट भी पे किया होगा, तो 30,000 के अंदर आप टैक्स वापिस एड कर दीजिए, इंटरेस्ट भी वापिस एड कर दीजिए, तो वापिस आपका क्या बन गया? वो प्रॉफिट बन गया जो इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले वाला था। ठीक है, तो यहां पर आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ चुका है 80,000। अब बात आती है कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड के लिए हमें एसेट साइड अप्रोच को यूज करना होगा। अब एसेट साइड अप्रोच क्या कहती है? कहती है कि नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,80,000। वर्किंग कैपिटल गिवन है, यस, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अगर आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का अगर आप डिफरेंस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा यहां पर? 1,20,000। तो यहां पर आपके पास ये हो गई 5,00,000 रुपए की कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए आपने एसेट साइड अप्रोच को यूज किया है। तो यहां पर हमारे पास होगी 5,00,000 रुपए, मल्टीप्लाई 100 कर देना तो ये आ जाएगा आपका आंसर 16%, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को फाइंड आउट किया। इस प्रॉफिट के अंदर मैंने टैक्स को प्लस कर दिया, इंटरेस्ट को प्लस कर दिया, तो वापस मेरा प्रॉफिट आ गया। ये था हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर मैंने फाइंड आउट की कैपिटल इंप्लॉयड, कौन सी अप्रोच यूज की? एसेट साइड अप्रोच। यहां पर फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल को टोटल किया तो 5,00,000। आंसर फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज 16%।